नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म का ये स्पेशल एडिशन हम लेकर आए हैं संसद भवन के ठीक सामने विजय चौक से। शास्त्र में कहा गया है कि राजा का धर्म होता है जनता की सेवा करना, और जनता का धर्म है कि अगर राजा के काम पर उसे विश्वास है तो उसका सम्मान करना, उस पर विश्वास जताना, और अगर जनता का काम नहीं हुआ तो फिर उसे उखाड़ कर फेंक देना। कुछ वही हुआ है तीन राज्यों के नतीजे जो बताते हैं। तेलंगाना की बात करें, यहां पर कांग्रेस का शासन आया, लेकिन तीन राज्यों में कांग्रेस के पंजे से प्रधानमंत्री मोदी ने कमल का फूल खिला दिया। जी हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई, और मध्य प्रदेश में तो बंपर जीत हुई। ऐसी जीत जिसे लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाता है। वहां की जनता ने हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी के वादों को लिया, उनके संकल्पों को लिया, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जनता ने बता दिया कि उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं, उन्हें वादों पर विश्वास नहीं, उन्हें गारंटी पर विश्वास नहीं। एक ही गारंटी चली, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। आइए कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश में जहां पर 163 सीटों के साथ बीजेपी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो यानी कांग्रेस से ढाई गुना ज्यादा सीटें हासिल की, प्रचंड बहुमत मिला। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 54 सीट जीतकर बीजेपी ने सरकार बना ली। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां पर सभी पोलस्टर्स से लेकर राजनीतिक विश्लेषक से लेकर कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही थी कि उनकी सरकार में दोबारा वापसी होगी, लेकिन हुआ इससे ठीक उलट। 54 सीटें जीती बीजेपी ने। बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में 115 सीटें मिली, बीजेपी ने तीन राज्यों में हैट्रिक लगा ली जीत की। तो सवाल ये कि क्या 2024 में भी मोदी की जीत की हैट्रिक से पहले ये 2023 के विधानसभा चुनाव एक ट्रेलर है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हम सब राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं, लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे, और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की गूंज जबरदस्त सुनाई थी। आइए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन और सत्र की शुरुआत से ही मोदी मोदी के नारे जो गूंजने लगे, जो जीत के जयकारे लगने लगे, वो तस्वीरें जरा आप देखें।
राज्यों में चुनाव लड़े गए भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा सामने नहीं किया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर ही चुनाव लड़े गए। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वहां पर भी एक नाम प्रोजेक्ट करना, तो राजस्थान छत्तीसगढ़ को तो आप छोड़ ही दीजिए। अब आप ये समझेंगे जरा ये जीत का समीकरण क्या रहा, जीत के पीछे वजह क्या रही, तो एक एक करके आंकड़े मैं आपके सामने रखती हूँ। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 रैलियां की थी, जिसका प्रभाव 18 जिलों की 119 सीटों पर सीधा सीधा दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में भी 17 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया और छत्तीसगढ़ में 7 चुनावी रैलियां की और उन 7 जिलों के जरिए 38 सीटों को कवर उन्होंने किया। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत अजय जी आपका। प्रदीप भाटी जी समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत। और पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कांग्रेस के लिए तेलंगाना से भले ही खुशखबरी आई हो, इसका जश्न आप मना सकते हैं, लेकिन तीन राज्यों में जैसे आपकी हार हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आपके हाथों से चला गया अजय जी। ठीक है, तेलंगाना की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो सिरोधार्य है, और तीन राज्यों में जो जनता ने हमें कहीं न कहीं आत्मालोचन के लिए कहीं न कहीं वक्त दिया है, उसने माना है कि आपको जो है आने वाले समय में राजनीति में आपकी सक्रियता और बढ़नी चाहिए, संगठन और आगे आना चाहिए, काम जनता के लिए और होना चाहिए, हम इसे भी स्वीकारते हैं। हम जीत में भी और हार में भी अहंकार नहीं, विनम्रता के साथ जो भी जनता का आशीर्वाद है उसे स्वीकारेंगे। पर एक बात जरूर है मीनाक्षी जी, अभी जो आप चर्चा कर रही हैं, ये यदि मोदी जी का महानायक हैं और तीनों राज्यों में उनकी जीत हुई है, तो तेलंगाना में तो भाजपा की भी हार हुई है, और आज एक मिजोरम में भी लिस्ट रिजल्ट आया है जहां ऑलरेडी एनडीए में उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट अभी भी है। 5 साल सरकार भी साथ में चली थी, अलग बात है अंतिम टाइम में मंच शेयर करने से वहां के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, आज वो भी रिजल्ट सबके सामने है। मुझे लगता है राज्य की राजनीति, जब भी राज्य के चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दों का एक अलग सोच होता है, अलग दृष्टिकोण होता है। छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं 4 महीने वहां काम किया, गांव में गया, फील्ड में गया, आप जैसे पत्रकारों ने भी सभी जगह फील्ड में काम किया, और अलग अलग सर्वे रिपोर्ट भी आई, शायद एक भी ऐसा सर्वे रिपोर्ट नहीं है जो कांग्रेस के पक्ष में ना रहा हो, और एक भी ऐसा सर्वे रिपोर्ट नहीं हो जो कांग्रेस भाजपा के पक्ष में हो। बावजूद भाजपा के नेता तक 4 रोज पहले तक जितने एनालिस्ट थे वो कोई ऐसा मानने को तैयार नहीं था कि वहां से जो है इस तरह का अजूबा परिणाम आएगा, पर हम इसे स्वीकारते हैं। हमारी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, हमारी सरकार की भी कुछ कमी रही होगी, हम उसको सुधारेंगे। और हमें जो वोट आया है 4 राज्यों में 4,91,00,000 वोट आए हैं, भाजपा को 4,81,00,000 देखने की कोशिश कर रहे हैं अजय जी, अच्छी बात है, राजनीति में सकारात्मकता ही देखनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि ये तीन राज्यों की जीत की हैट्रिक, ये 24 की हैट्रिक की गारंटी है, देखिए अवनिजेश जी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बात बड़ी साफ सी है, ये तमाम लोग ही कह रहे थे ना सेमीफाइनल है, अब जब रिजल्ट आए उल्टे तो कहते हैं सेमीफाइनल नहीं है, ये लगातार बदलते रहते हैं। जब सीट ज्यादा आती है तो कहते हैं जी वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था, जब वोट परसेंटेज नहीं होती तो कहते हैं आपसे सीट है। हिमाचल में और मध्य प्रदेश की पिछली सरकार में भी भाजपा का वोट शेयर तो ज्यादा था ना, सीट भले ज्यादा से आई हो कांग्रेस की, तब ये सीट की कह रहे थे भाई, जो सीट जिसकी ज्यादा है वो जीता हुआ होता है। आज अब ये वोट शेयर की बात कर रहे होंगे। आज जितने राज्यों में एनडीए की भाजपा नीत एनडीए की जो सरकार है उसको देख लीजिए, और जितने भूभाग पर भारतवर्ष के मानचित्र में जितने भूभाग पर एनडीए का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा उसकी तुलना कर लीजिए आप, ये अलग अलग। लेकिन वो भगवा झंडा बीजेपी का झंडा देख कर रहे हैं, वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को करीब 4,90,00,000 वोट आए हैं, वो अभी भी इस पर खुशी मना रहे हैं। वो मैं कह तो रहा हूँ ना कि इनके हर बार पैरामीटर्स अलग होते हैं, हर बार मानदंड अलग होंगे। ये दिल बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है, आप कराते रहिए। एक बार तो इन्होंने इनकी कहते हैं हमारी मॉरल विक्ट्री है, मुझे इस बार भी लग रहा था ये कहेंगे गुजरात में जब ये हारे, कहते नहीं जी हमारी ये मॉरल विक्ट्री है जी, तो ये मॉरल विक्ट्री कभी कर लेते हैं, कभी सीट शेयर देख लेते हैं, कभी ये परसेंटेज देख लेते हैं, कभी कुछ और देख लेते हैं, कभी कहते हैं कि हमारा संगठन का कमजोर था, इनफाइटिंग थी, कुछ भी बहाना बना करके। लेकिन जिस व्यक्ति को कांग्रेस में जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस हार की,
जो जीत का श्रेय लेता है तो उसको हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, वो आज तक कांग्रेस में नहीं हुआ। तो मोदी जी को भी जीत का श्रेय नहीं लेने दे रहे हैं, तो राहुल जी को हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कैसे कहेंगे? आप भी कमाल बात करें अपनी। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो जीत का श्रेय लेते हैं कांग्रेस में। मैं तो उसके एक कदम और आगे जाके बोल रही हूँ अपनी जेशी, कांग्रेस पार्टी से अजय जी तो अभी भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जीत का श्रेय कैसे ले सकते हैं, ये वहाँ पर तो वहाँ की लीडरशिप को लेना चाहिए और हार की जिम्मेदारी। खैर मैं इससे एक कदम आगे जाती हूँ, आपके सहयोगी इंडिया अलायंस के दल समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है प्रदीप जी। तीन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन, आप मैं क्या पूछूं, खुश हैं, नाखुश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि यहाँ तो इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों को मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने का। अब उमर अब्दुल्ला की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, और आपके नेता अखिलेश यादव जी तो पहले से ही आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद मनीषा जी, मीनाक्षी जी। देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने तो बहुत कम सीटें लड़के काफ़ी ज़्यादा वोट्स हासिल करी हैं, तो हमारा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी काफ़ी अच्छा रहा। ये ज़रूर बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को ये ज़रूर बोला था कि आप हमें मिलके साथ मध्य प्रदेश में या राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं तो प्रदर्शन बहुत बेहतर हो सकता था। लगभग 8 से 10 हमने आकलन किया, लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत सकती थी और जिसमें मार्जिन बहुत कम रहा और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, मुद्दे तो अभी भी वो खड़े हैं, लेकिन हम जरूर ये स्वीकार करते हैं और कांग्रेस को भी इस पर जरूर मंथन करना चाहिए कि जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में विरोधाभास था, उत्तर प्रदेश में कुछ कहा जा रहा था, मध्य प्रदेश में कुछ और कहा जा रहा था, उससे लोगों में गलत संदेश जाता है। आप वोट्स और शेयर और जितने आपको वोट शेयर आए हैं और सीट्स आई हैं उस पर सिर्फ आप तुलना मत करिए। जब आप नकारात्मक बात करते हैं, लोगों के अंदर गलत संदेश देते हैं, तो उससे वोटों का बिखराव बहुत ज्यादा फैलता है। सिर्फ नंबर्स से हमेशा बिखराव नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मोदी जी की जीत के पीछे वजह क्या है? चलिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे पूछती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेहतर चुनाव लड़ी कांग्रेस से, तो जीत का जरूर उनको श्रेय जाता है। उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे थे उनको ज्यादा आगे आने नहीं दिया। जो स्थानीय मुद्दे राजस्थान में थे, पेपर लीक से लेके घोटाले से लेके महिला अपराध थे, वो सारे तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वही सारे मुद्दे और उनसे कहीं ज्यादा व्यापक है। फिर भी आप देखेंगे कि वो राजस्थान में समझाने में काबिल रहे कि हम हमारी सरकार वहाँ पे बदलने का समझ नहीं पा रही। नहीं, तो आप खुद अपनी गलती मान रहे कि हम समझाने में कामयाब नहीं रहे। बिल्कुल, अगर हमारी समझाने में कामयाब हो गए। नहीं, प्रदीप जी, एक छोटी सी बात, मैं मीनाक्षी जी, मैं आपकी इजाजत से, आपकी अनुमति से, बात सिर्फ मिलकर के लड़ने और वोट इकट्ठा होने की नहीं है। आप वोट इकट्ठा, कई बार ऐसा होता है कि आप एक साथ होते हैं फिर भी फ्रेंडली होता है। यहाँ तो आपने कहा, आपके माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अरे कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, ये बड़ी धोखेबाज पार्टी है, इसने हमें धोखा दे दिया, तो आप जनता को, आप क्या सोचते हो, आपको धोखा नहीं देगी? ये कहने के बाद आप कह रहे हैं कि मिलकर लड़ लेते। नहीं, ये कहने की बात तो नहीं, हैरत की बात है। पहले नहीं, ऐसी धोखेबाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे आप? ये बात बाद में, जो आप कह रहे हैं ये बात चुनाव से तो पहले हो गई थी ना, ये बात चुनाव से, जब ये जब हम मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो उसके बाद की बात है। आप थोड़ा सा इसमें गलत हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणियां करी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए स्वीकार नहीं। और जनता, देखिए, आज आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, आप लोगों की आपसी लड़ाई में बड़ा फायदा किसका है? मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है ये, लेकिन लोगों की, उनकी कैंपेनिंग की जीत है ये, उनकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत है या ये उनके मैनेजमेंट की जीत है? पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही है 2022 से। ऐसे भी बात कही है, साथी प्रवक्ता का अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब इतने बड़े व्यापक स्तर पर जब राज्यों के चुनाव होते हैं और जिस तरह से सारी चीजें होती है, उसमें कई बार ऐसी बातें भी एक आती हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से, भाई आज ही मिजोरम का रिजल्ट आया है, जरा उस पर चर्चा कीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मंच शेयर करने को मना कर दिया, मणिपुर का इशू था, बहुत सारे इशू होते हैं स्थानीय स्तर पर एनडीए के वो आज भी घटक दल हैं केंद्र में। तो ये परिस्थिति स्थानीय चुनाव की है, 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है
उसमें हम साथ रहेंगे और हम साथ सकारात्मकता के साथ आगे राजनीति करेंगे। इसलिए राज्यों की बात यदि आपने जिस तरह से की है और मैं वही कहा कि 8-9 फीटें अगर दे भी देते तो क्या हो जाता। नहीं नहीं ठीक है, उस समय की परिस्थिति जो थी, ये आज आपका विश्लेषण है या हमारे साथी का विश्लेषण है, हो सकता है रिजल्ट अलग होता। आप तेलंगाना में रिजल्ट यदि हमारा अच्छा हुआ है, वहाँ हम किसी को दे देते तो हम शायद नहीं आ पाते। और वहाँ आज भाजपा की स्थिति बहुत दयनीय है, पहले से है, 10 साल से सरकार है। इसी मोदी जी का मैजिक क्यों नहीं तेलंगाना में चल पा रहा है, क्यों नहीं कर्नाटका में चल पाया, क्यों नहीं हिमाचल में चल पाया? क्योंकि जहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। आप जब जीत तो हो जाए तो हमारी और हार हो जाए तो स्थानीय किसी बल्ली के बकरे को बना देंगे। कम थे ना छत्तीसगढ़ में, कम थे और मध्य प्रदेश में तो 18 साल की बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद अगर आप स्थानीय मुद्दे नहीं उठा पाए और बीजेपी ने कोई मामूली अंतर से जीत हासिल नहीं की, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। अजय जी मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक लिया, मैं रुकना है। अपनी जयशी और प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।